गाइस, तो आज बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते और इसे बनाना बहुत सिंपल है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कीमा ले लो, ये आधा किलो कुछ कीमा है, तो इसे है ना बहुत अच्छे से धो लो। फिर कीमे के अंदर लाल मिर्ची, नमक और गरम मसाला ये मिलाना है 1-1 चम्मच। ये दो छोटी साइज़ की प्याज है, अदरक है, हरी मिर्ची और कोथमीर। ये है भुने हुए चने का पाउडर जो बाहर रेडीमेड भी मिलता है, अगर ना मिले तो आपको चने लाना है, उनका छिलका उतारना है और इसे पीसना है। फिर उसके बाद एक मिक्सी ले लो जिसके अंदर कीमा डाल दो और जो मैंने मसाले बताई थी, लाल मिर्ची, नमक, गरम मसाला, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, ये सब डाल के इसे अच्छे से पीस लो। कीमे के साथ जब मसाला अच्छे से पीस जाए तो उसे कोथमीर और ये भुने हुए चने का पाउडर ये मिला के बहुत अच्छे से मिलाना है कीमे के साथ। ये प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कीमे के साथ मसाला मिलने से टेस्ट आता है। तो फिर ये सब मिलाने के बाद इसमें देसी घी मिलाना है। अगर देसी घी नहीं है तो तेल भी मिला सकते हो, बट देसी घी डालने से है ना इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको बहुत अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बॉईल किए हुए अंडे हैं, तो यहाँ पे मैंने 6 अंडे लिए हैं बॉईल किए हुए और मैं इन्हें बीच में से 2 टुकड़ों के साथ 1-1 कोफ्ते में डालने वाली हूँ। वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर 1 कोफ्ते के अंदर पूरा 1 अक्खा अंडा डालना है तो वैसे भी डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, चपाती जैसे कोफ्ते को करना है छोटे सर्कल में और बीच में अंडा रख के इसे चारों साइड से पैक करना है। इसे इतना भी पतला नहीं बनाना कि अंडा बाहर आ जाए। ये स्टेप है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इधर जब हम फ्राई करेंगे इसको तो क्या है, फ्राई करने में कभी कभी अंडा बाहर आ जाता है कोफ्ते से, क्योंकि जो ऊपर की जो कोटिंग होती है वो सही से नहीं हुई हुई होती, तो उसकी वजह से बाहर आ सकता है और कोफ्ते पूरे ख़राब हो जाएंगे, तो पूरा सब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हल्के हाथों से करना है। अगर हाथों में कीमा चिपके तो थोड़ा सा तेल लगाकर भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस अच्छे से कीमे को दबाकर उसे फिर पतला करना है, इतना भी पतला नहीं करना कि अंडा बाहर आ जाए जब ऊपर की तरफ खींचो। तो सेकंड वाले उसमें मैंने अंडे को उल्टे उसमें रखा था ताकि मैं आपको दोनों तरीके से बता सकूं, पहले सीधे उसमें रखी थी फिर उसके बाद मैंने उल्टे उसमें रखी थी। वैसे उल्टे उसमें रखने से बहुत ही कंफर्टेबल हो रहा था, पैक आराम से हो रहा था, तो उल्टे उसमें भी रखोगे तो चल जाएगा। फिर उसके बाद इसे बहुत अच्छे हाथों से बहुत अच्छे से मिलाना है और सर्कल शेप देना है। फिर उसके बाद इसको है ना हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर है ना मेरे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। ये जो दो छोटी छोटी बॉल्स देख रहे हो आप लोग, तो ये बचे हुए कीमे के हैं, क्योंकि अंडा नहीं बचा था इसलिए मैंने उसके 2 छोटी छोटी बॉल्स बना दी। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर एक एक करके कोफ्ते डालने हैं और इन्हें बहुत अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे मेरा एक भी अंडा नहीं निकला कोफ्तों में से, क्योंकि मैंने वो वाला प्रोसेस बहुत अच्छे से किया था, तो वो वाला प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो वाले प्रोसेस को बहुत अच्छे से करना, नहीं तो कोफ्ते ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोफ्ते बन चुके। यहाँ पे ये जो भुने हुए चने का पाउडर था वो थोड़ा बच गया था मेरे पास, तो वो और ये पिछली बार का है ना कोफ्ते का मसाले का थोड़ा सा मसाला रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो ले ली। अगर आपके पास मसाला नहीं है कोफ्ते का रेडीमेड बाहर का तो मत लो, चल जाएगा। तो भुने हुए चने का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला, ये सब ले लो। फिर उसके बाद ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये तो सबको मालूम ही है, इलायची, काली बॉल, ये सब। ये है बारीक कटी हुई प्याज, ये है बिजिश्ता जिसे मैंने कोफ्ते के बाद अच्छे से बिजिश्ता कर लिया था। तो अगर आप बाहर का बिजिश्ता यूज़ करते हो तो ओके, बट घर में ही बनाओ तो अच्छा है। उसके बाद आपको लेना है एक बर्तन जिसमें हम मेन बनाने वाले हैं, उसमें तेल डाल दो और ये खड़े मसाले जो थे जो मैंने बताई वो। उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के टाइम ही थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाना है और फिर जो मैंने मसाले बताई थी, लाल मिर्ची, नमक, भुने हुए चने का
वो सारे मसाले डालकर इसे बहुत अच्छे से पकाना है। क्योंकि मसाले कच्चे होते हैं तो वो पानी के साथ मिल जाए, तो इसलिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने दही ली हूँ, लगभग आधा कप दही है, तो दही ले लो, दही को अच्छे से फेंट लो और उसके बाद इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकने दो पानी डालकर। फिर इस स्टेज पर आपको कोफ्ते डालने हैं, क्योंकि अभी मसाला पक रहा है, तो इस स्टेज पे कोफ्ते डालने से क्या है, कोफ्तों के अंदर भी मसाला, शुरवा, वो सब कुछ जा सकता है, मतलब जाता ही है। तो ये डाल दो और इसे ना हिलाते, चम्मच से मत हिलाना क्योंकि अभी कोफ्ते टूट सकते हैं, क्योंकि कोफ्ते ठंडे होने के बाद सीधा गरम गरम उसमें जा रहे हैं, और अगर चम्मच से ऐसे मिला दोगे तो वो टूट जाएंगे। फिर उसके बाद लो फ्लेम पे ढककर 10 से 15 मिनट पका देना। ये जो विशेषता मैंने बनाई थी, इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लो और इसे भी कोफ्तों के साथ मिला लो। यहाँ पे है ना, मैंने चम्मच से मिलाई थी तो मेरा एक कोफ्ता थोड़ा सा मतलब टूट सा गया, तो इसलिए आप लोग चम्मच मत ही हिलाना, हल्के हल्के हाथों से मिला सकते हो तो हल्के हल्के हाथों से कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाली हूँ मैंने, ताकि अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपको नमक चखना है, कम ज़्यादा लाल मिर्ची वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लो। फिर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के शुरवा कर दी। फिर इसको आपको हाई लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट ढक कर पकाना है, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में तेल ऊपर चाहिए होता है खाने के लिए। फिर यहाँ पे ये ऑप्शनल है जो मैं कर रही हूँ डेकोरेशन ऊपर की, ये है गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला ली थी, तो वो डाल दो। फिर उसके बाद बारीक कटी हुई अदरक और कोतमीर, ये दोनों ऑप्शनल है, तो आपकी मर्ज़ी, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो ये सब डालने के बाद आपको लो फ्लेम पे से 5 से 10 मिनट फिर पकाना है, और नरगिसी कोफ्ते बन के तैयार है। तो इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और एक बार ज़रूर बनाओ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम यम्मी फूड क्वीन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना। बाय।